आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी आने वाली 25 जून मंगलवार को कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए करनाल पहुंच रहे हैं। करनाल के अंदर हरियाणा के एक एक गांव से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आएगा, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आएंगे और सुनीता केजरीवाल जी मंत्र फूकेंगी हर बूथ को मजबूत करने के लिए, विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगी और आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही अपने अपने बूथ पे काम करने के लिए जुट जाएगा। सभी लोगों के क्या गठबंधन में इस बार हरियाणा में चुनाव लड़ा जाएगा या सेपरेटली आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी की तैयारी हर बूथ पे, हमारा समझौता लोकसभा चुनाव तक था, इसके आगे का फैसला आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी लेंगे। सर, हरियाणा में हर दावा ठोक रही है, ताल बजा रही है, कोई 70 सीटें कह रहा है, आप तो कोई कह रहा है 50 पार, आम आदमी पार्टी कितनी सीट जीतने का दावा? आम आदमी पार्टी भी हर बूथ को जीतने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रही है और राज्य इकाई का अध्यक्ष होने के नाते मेरी ड्यूटी भी बनती है कि हर बूथ को ज्यादा और मजबूत करें। हरियाणा में इस बार सबसे अहम मुद्दा विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है, लोगों के बीच क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? हरियाणा की व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूल बंद करती जा रही है, शिक्षा के स्तर को बहुत ही गिरा दिया है। हरियाणा के अंदर नशे का कारोबार खुद सरकार के संरक्षण में होता है। हरियाणा में अपराध बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। हरियाणा के अंदर कई कई घंटे बिजली के कट रहते हैं, महंगी बिजली आती है। इसलिए हरियाणा में अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत जरूरत है कि जिनके ऊपर काम किया जाए। पर बैठी हुई है, मंदिर जा रही है, बीजेपी से नौटंकी बता रही है, वो कह रही है कि लगातार ये भी कहा जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा कि पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा रहा है, इनको मैनेजमेंट ठीक करने की जरूरत है। बीजेपी के सांसद जल बोर्ड के दफ्तर में जाते हैं, खुद तोड़फोड़ कराते हैं, वो नौटंकी है। दिल्ली के लोगों के लिए पानी मांगना तो कोई नौटंकी नहीं। आज पानी की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, दिल्ली में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। हरियाणा के अंदर भी जल संकट गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है कि खुद निरीक्षण करे और हर राज्य को उसके हिस्से का पानी मिले, इस बात को सुनिश्चित करे। अरविंद केजरीवाल लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, इस तरीके से देखिए ईडी कितना एक द्वेषपूर्ण कार्य कर रही है। रात को 8 बजे बेल का ऑर्डर हुआ, पूरा ऑर्डर भी अपलोड नहीं हुआ था कि वो हाईकोर्ट पहुंच गए। रातों रात तैयारी करते हैं, क्या दबाव था। ऐसा तो किसी आतंकवादियों के साथ भी नहीं होता, जो दिल्ली के 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री, बीजेपी इतना क्यों डर रही है उनके बाहर आने से। वो तो एक अच्छे स्कूल बनाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल बनाते हैं।